तो आपका स्वागत है जियो एकेडमी में बरकतौर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रहा है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम मैंने कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के ये सब्जेक्ट है कल्चर का है तो चलिए अपन देख लेते हैं कल्चर सब्जेक्ट दो घंटे का पेपर होगा पी एच डी एंट्रेंस एग्जाम का दो पार्ट में होगा पार्ट ए में फिफ्टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में फिफ्टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा चलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर लेते हैं पार्ट ए की क्या क्या रहेगा टॉपिक में फर्स्ट यूनिट रहेगी बेसिक ऑफ रिसर्च और इसमें बहुत कुछ है जैसे लाइक रिसर्च मेथोडोलॉजी है रिसर्च टॉपिक सेलेक्शन है लिटरेचर रिव्यू है रिसर्च टाइप प्रॉब्लम्स है फॉर्म है रिसर्च सैम्पलिंग डिज़ाइन कलेक्शन ऑर्गेजेशन ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ द रिसर्च ये सब चीज़ें हैं डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ठीक है और फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट में है रिसर्च एंड एथिक्स और एथिक्स ये ना रिसर्च इक्वेशन एक्सक्वेसन और यूनिट थर्ड में है यदि आप इसे इससे नहीं देखना चाहते तो वेबसाइट में भी जाकर के वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं थर्ड यूनिट है बेसिक स्टैटिकल डिफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स हो गया वेरिएशन हो गया फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड कैम्यटिव फ्रिक्वेंसी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सैम्पल एंड पॉपुलेशन हो गया ये सब चीज़ें हो गई चलिए ओपन और आगे देख लेते हैं प्रॉबिबिलिटीज़ स्टैटिकल इंफ्रेंस क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे लगता है ये इन लोगों ने स्कैनिंग सही तरीके से नहीं करी है ये मैंने साइट से ओरिजिनल है ये ओरिजिनल डाउनलोड करा है और तो स्टैटिकल इन्फ्लूस में इस्टिमेशन एंड हाइपोथीसिस है टेस्टिंग है इस्टेटिकल इस्टीमेशन स्टैटिकल हाइपोथी टेस्टिंग कंपेरिजन ऑफ वेरियंस इन द इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट ऑफ इक्वलिटीज है ये सब चीज़ें हैं तो आप देख लग, देख सकते हैं अच्छे से अब अपन फोर्थ यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड देयर एप्लीकेशंस इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक इंटरनेट एंड ई मेल माइक्रो सॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट इंटरनेट एस टी टी डब्लू डब्ल्यू इंट्रोडक्शन टू द न्यूरल नेटवर्कस ये सब चीज़ें हैं आप देख सकते हैं अच्छे से इंट्रोडक्टरी डटरी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है रिट्राइवल ऑफ द बायोलॉजिकल डेटा है सिक्वेंस ना एलिमेंट है ठीक है और जिनोमिक्स एंड प्रोटेक् नोमिक्स दिखाई दे रहा अच्छे से प्रो टेक्नोमिक्स ठीक है चलिए अपन फिफ्थ यूनिट देख लेते हैं बायो एनर्जेटिक्स हैं बायो एनर्जेटिक टॉपिक्स हैं इसमें सब सब टॉपिक्स हैं जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ए AAT, हो गई एंड इट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो गए है ना और वफवर्स हो गया प्रिंसिपल ए, प्रिंसिपल एंड अप्लीस हो गया रेडियो एक्टिविटी हो गया और उसके बाद टेक्निक टेक्निक्स यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी हो गया ठीक है उसके बाद टेस्ट रिएक्शन मैपिंग ये सब चीज़ें हैं चलिए अपन पार्ट बी में देख लेते हैं पार्ट बी जो होगा फिफ्टी क्वेश्चनस होंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है टॉपिक देख लेते हैं फ्रेश एक्कल्चर इसमें सब टॉपिक ये हैं चलिए एक्कल्चर सिस्टम ये सब टॉपिक्स हैं इन लैंड फिशरीज रिसोर्सेस ये सारी चीज़ें गांधी सागर तवा बरगी हलाली है ना वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया सोर्स ऑफ वाटर रिवर्स अंडरग्राउंड वाटर्स टाइप्स ऑफ द देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी फॉर द ऑपरेशन ना ये सब चीज़ें हैं लार्वा फिस प्रॉन ठीक है एक्वाटिक पॉल्यूशन ठीक है अब इतना ही है ये सब आ, सब टॉपिक्स थे इसके बी ओ डी सी ओ डी बायो डिग्रे, आ, डिग्रेडेबल मटेरियल सेलुलोज हो गया हेमी सेलोलोज हो गया ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एंड थैंक यू